कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे जो भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास वगैरह हैं, या वायुसेना जो करती है, हमारी नेवी जो करती है, या हमारी जो इंडियन आर्मी है, वो जो उसके प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, जो पेपर होते हैं आपके, कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आपका सैन्य अभ्यास के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स के पोर्शन पर रहता ही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पर इंडेक्स बताए थे, प्रमुख इंडेक्स जो वर्ष 2024 के आसपास के रहे हैं, इसी तरीके से प्रमुख सैन्य अभ्यास, चूँकि आपका PCS का पेपर आपका 14 जुलाई को होना है, उस एग्जाम के लिए स्पेशली ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ प्रमुख सूचकांक हमने कराए, कुछ प्रमुख अवार्ड देखेंगे इसके बाद, ठीक है, ताकि आपके एक साथ कवर हो जाए। हालांकि करंट अफेयर्स आपने पढ़े हुए हैं तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे सब चीज मिल जाएंगे, यानी एक ही वीडियो के अंदर आपकी वो चीजें रहेंगी। अदरवाइज क्या है, जो पुराने करंट अफेयर्स या जो इससे पहले वीडियोस करंट अफेयर्स के मैंने आपको कराए हुए हैं, उसमें क्या है, चीजें तितर बितर हैं। तितर बितर का मतलब कुछ क्वेश्चन उसमें स्पोर्ट्स के होंगे, कुछ उसमें अवार्ड्स होंगे, कुछ उसमें इंडेक्स होंगे, कुछ उसमें मतलब इस टाइप के मिसेलियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पढ़ने में कंफ्यूज कर दी। यानी हमने एक क्लास देखी, नोट्स बनाए, नेक्स्ट टाइम पे हम गए तो भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये लास्ट लास्ट का टाइम है, क्योंकि 2 हफ्ते से भी कम समय आपका बचा है, इसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो लिखो प्रमुख सैन्य अभ्यास, मतलब उसमें वायुसेना का भी आ जाएगा, नेवी का भी आ जाएगा, और आपका आर्मी का भी आ जाएगा, तीनों एक साथ कवर कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वायुसेना के अलग लिखो, नेवी के अलग लिखो, आर्मी के अलग लिखो, उससे कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास लिखना। ठीक है, भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास, भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास, कुछ जॉइंट होते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ मिलिट्री के जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह हैं, तो मैं मतलब यहाँ पे अभ्यास का नाम लिखूंगा क्या है, किस देश के साथ होता है। ठीक है, ये देखो ऐसे लिखो, अभ्यास कौन सा है, उसका नाम क्या है, और किस देश के साथ होता है, मतलब इंडिया तो है ही है, समझ जाना। ठीक है, इंडिया का किस देश के साथ है, क्योंकि भारत तो हर जगह होगा ही होगा, इंडिया का किस देश के साथ है, इस चीज को आपने नोट करना है। ठीक है, पहला लिखो शक्ति सैन्य अभ्यास बच्चों, शक्ति, शक्ति आपको याद होगा हमेशा चलता है, भारत और फ्रांस के मध्य है। ठीक है, शक्ति में भारत के साथ कौन सा देश भाग लेता है बच्चों, फ्रांस भाग लेता है शक्ति अभ्यास में, इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको नोट करते रहना है। दूसरा बच्चों जो आता है, एक युद्ध अभ्यास है, दो अभ्यास लिखूंगा मैं, एक लिखो आप युद्ध अभ्यास, युद्ध के साथ एक और आप लिखोगे बच्चों, उस एक्सरसाइज का नाम लिखोगे क्या, वज्र प्रहार। ठीक है, क्या लिखोगे, वज्र प्रहार, ये USA के साथ है, लिखो वज्र प्रहार, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका व भारत के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है, युद्धाभ्यास है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ में आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट लिखो अजय वॉरियर, यानी अजय वॉरियर, ठीक है, अजय योद्धा या वॉरियर, योद्धा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अजय वॉरियर, ये होता है यूनाइटेड किंगडम के साथ बच्चों, UK के साथ होता है, ध्यान रखना, यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य होने वाला है सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसके अलावा लिखो हैंड इन हैंड, ये होता है चाइना के साथ, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ये भारत का चीन के साथ प्रमुख सैन्य अभ्यास है, इस चीज को भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नोमेडिक एलिफेंट, हमेशा चर्चा में रहता है नोमेडिक एलिफेंट, क्या लिखोगे, नोमेडिक एलिफेंट, ठीक है, ये होता है मंगोलिया व भारत के मध्य, मंगोलिया वह भारत के मध्य क्या है, नोमेडिक एलिफेंट है, इस चीज को भी आप लोग माइंड पे रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बच्चों इंद्र सैन्य अभ्यास, ये रूस के साथ, अभी थोड़ा इस बार नहीं हुआ शायद। ठीक है, इंद्र किसके साथ होता है, रूस व भारत के मध्य है इंद्र नाम का सैन्य अभ्यास। इसी तरीके से भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है संप्रीति, अगर पूछता है कि संप्रीति सैन्य अभ्यास किन दोनों देशों के मध्य है, तो भारत का किसके साथ हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश प्लस इंडिया के मध्य कौन सा होता है बच्चों, संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है, इसको भी माइंड पे रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मित्र शक्ति, हमेशा चर्चा में रहता है श्रीलंका व भारत के मध्य, मित्र शक्ति किसके मध्य होता है, श्रीलंका व भारत के मध्य, यानी भारत के साथ कौन सा देश में प्रतिभाग करता है, श्रीलंका करता है मित्र शक्ति में, ये भी माइंड पे रखिएगा। ठीक है, अगला लिखो मैत्री व्यायाम, थाईलैंड व भारत के मध्य, मैत्री व्यायाम,
ये किसके मध्य होता है, थाईलैंड व इंडिया के मध्य होता है, ठीक है, थाईलैंड व इंडिया के बीच ये मैत्री व्यायाम नामक सैन्य अभ्यास होता है। अगला लिखना आपको गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया व भारत के बीच, ठीक है, गरुड़ शक्ति कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख दिए, देखियो नेक्स्ट लिखो गरुड़ शक्ति, ये किसके मध्य होता है बच्चों, इंडोनेशिया व भारत के मध्य, इंडोनेशिया एंड इंडिया के मिड में ही होता है गरुड़ शक्ति नाम का सैन्य अभ्यास, ठीक है। अगला लिखो सूर्य किरण सिम्बेक्स और कारपेट, ठीक है, सूर्य किरण लिखो भारत नेपाल, ये आपको पता ही पिथौरागढ़ में ही अक्सर सुनते होगे आप इसको, सूर्य किरण इंडिया व नेपाल के मध्य होता है, ठीक है, इंडिया व नेपाल के मध्य कौन सा होता है, सूर्य किरण। अगला लिखो सिम्बेक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, सिंगापुर के मध्य होता है, ठीक है, सिम्बेक्स, सिम्बेक्स किसके मध्य होता है, भारत व सिंगापुर के मध्य होता है, ठीक है, सिम्बेक्स। और लास्ट लिखो कारपेट, कारपेट होता है थाईलैंड के साथ, ठीक है, कारपेट नामक अभ्यास थाईलैंड, ठीक है। ये प्रमुख बहुपक्षी मतलब सॉरी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत अलग अलग देशों के साथ करता है। इसी तरीके से बच्चों एक जैसे बहुपक्षी है, जैसे भारत के सैन्य अभ्यास ही तो कौन से हैं, बेसिकली ये देश एक एक भारत जो है अदर किस कंट्री के साथ करता ही है, इसी प्रकार से कुछ बहुपक्षी हैं, बहुपक्षी के अंदर यानी एक से ज्यादा राष्ट्र क्या करेंगे उसमें प्रतिभाग करेंगे, ठीक है। तो बहुपक्षी में पहला आप लोग लिख लीजिए बच्चों वरुण व्यायाम, भारत फ्रांस व जापान के मध्य, ठीक है, वरुण व्यायाम, ये किसके बीच होता है, भारत फ्रांस प्लस जापान, ठीक है, भारत फ्रांस और जापान के मध्य कौन सा होता है बच्चों, वरुण व्यायाम होता है। मालाबार सैन्य अभ्यास को भारत अमेरिका व जापान, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना तो चर्चा में रहता ही, ठीक है, मालाबार, भारत जापान और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन तीनों के मध्य कौन सा होता है, मालाबार सैन्य अभ्यास। इसी तरीके से मिलन लिखो बच्चों, भारत और हिंद महासागर के आसपास के जो देश हैं, ठीक है, मिलन सैन्य अभ्यास होता है, भारत प्लस हिंद महासागर के आसपास के राष्ट्र, हिंद महासागरी राष्ट्र लिखो, यानी हिंद महासागर की बाउंड्री के आसपास जो राष्ट्र हैं उनके भी मध्य कौन सा होता है, मिलन, ठीक है, ये था। अब लिखो विविध, लिखो कुछ विविध सैन्य अभ्यास या विविध प्रश्न लिखो इससे संबंधित जो आपके पेपर में आ सकते हैं। एक तो मुझे लगता है बच्चों जो तरंग वाला मैंने आपको बताया था ना, पहला वायुसेना का मल्टीनेशनल अभ्यास है, बहुत से राष्ट्र इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, उसकी मेजबानी भी भारत करेगा, संभवतः ये दिसंबर के आसपास होने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलन सैन्य तरंग सैन्य अभ्यास आप लोगों को लिखना है तो लिखो तरंग बहुराष्ट्रीय वायुसेना का अभ्यास है, ठीक है, तरंग क्या है अगर पूछता है, बहुराष्ट्रीय वायुसेना का अभ्यास, बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास, वायुसेना का अभ्यास है कौन सा, तरंग, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, बहुराष्ट्रीय वायुसेना का अभ्यास है तरंग, और इसमें बहुत से राष्ट्र प्रतिभाग करेंगे, 12 राष्ट्र लगभग इसमें भाग लेने वाले हैं, और इसमें 6 राष्ट्र क्या करेंगे अपने जो वायु के अपने जो विमान हैं उनको लेके आएंगे, और 6 इसमें क्या होंगे जो पर्यवेक्षक होंगे, ठीक है। इसमें तरंग बहुराष्ट्रीय वायुसेना में क्या होगा, 12 राष्ट्र प्रतिभाग करेंगे, इसमें 6 क्या होंगे, 6 ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, 6 वायुयान के साथ आएंगे, ठीक है, अपने जो मतलब हथियार उनके, और 6 जो होंगे क्या होंगे, पर्यवेक्षक होंगे, ऑब्जर्वर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 12 राष्ट्र इसमें प्रतिभाग करेंगे, पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना का अभ्यास है, भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ वायु शक्ति व गगन शक्ति नामक वायुसेना अभ्यास भी इसी के हैं, ठीक है, वायु शक्ति और गगन शक्ति ये भी किसके हैं बच्चों, वायुसेना के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है देखना है, ये भी वायुसेना के अभ्यास हैं, के अभ्यास हैं, ठीक है, वायु कौन सा, वायु शक्ति व गगन शक्ति, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभ्यास धर्म गार्जियन जो हुआ है हाल ही में भारत व जापान के मध्य, ठीक है, अभ्यास धर्म गार्जियन ये किसके मध्य हुआ है, भारत व जापान के मध्य, चर्चा में रहा था बच्चों न्यूज़पेपर वगैरह में,
भारत व जापान के मध्य धर्म गार्जियन नामक अभ्यास हुआ था, इसको ध्यान रखना। और ये इसका पांचवां एडिशन था जो कि वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इस बार ये कहां पे हुआ था? राजस्थान में हुआ था, ठीक है। ये फिफ्थ एडिशन, ये अब 2024 के आने बेसिकली आप मान के चलो फिफ्थ एडिशन है। इस बार कहां पर हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। और वार्षिक क्या है अपने आप में? अभ्यास है, अभ्यास धर्म गार्जियन भारत व जापान के मध्य, ठीक है। इसी तरीके से एक जिमेक्स नौसेना का अभ्यास भी बच्चों भारत व जापान के मध्य होता है, ठीक है। जिमेक्स भी लिखो, भारत और जापान के मध्य ही, भारत जापान धर्म गार्जियन और जिमेक्स, जिमेक्स ये किसका बच्चों? नेवी का है, ठीक है। इंडिया प्लस जापान के ही मध्य होता है। और ये किसका है? अपने आप में नेवी का अभ्यास है। इसको ब्रैकेट में आप लोग चाहो तो नौसेना लिखो। अगला लिखो अभ्यास लमितिए 2024 भारत और सेशेल्स के मध्य। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना अभ्यास, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें भारत के लगभग 45 जो जवान थे इसमें प्रतिभाग करने के लिए गए थे। अभ्यास लमितिए 2024, ठीक है। अभ्यास लमितिए, ठीक है, 2024 ये होता है बच्चों। ये इंडिया प्लस ये है सेशेल्स के मध्य, ठीक है। तो इंडिया और सेशेल्स के मध्य द्विवार्षिक है जो कि 2001 से चल रहा है, ठीक है। इंडिया प्लस सेशेल्स के मध्य होता है, 2001 से चल रहा है, 2001 से। और इसमें दोनों साइड से जो अभ्यास लिमी दिए है इसमें दोनों साइड से इंडिया और सेशेल्स की ओर से 45-45 जवान क्या करते हैं? प्रतिभाग करते हैं। तो अभ्यास नीति ये किसके मध्य होगा? इंडिया और सेशेल्स के मध्य, ठीक है। एक नाटो ने भी शुरू किया बच्चों, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, स्टीड फास्ट डिफेंडर, ठीक है। लिखो स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो का सैन्य अभ्यास है। स्टीड फास्ट डिफेंडर, अगर ये पूछता है ये किस संगठन द्वारा चलाया गया अभ्यास है? नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का अभ्यास। अभी आपकारी का पेपर हुआ था उसमें एक नाटो का नया मेंबर पूछा था, सारा कराया हुआ था आपको, ठीक है। वो टेस्ट पेपर में भी दिए गए थे नाटो का हाल ही में कौन सा नया मेंबर बना है, अगर जिसने वो देखा होगा या टेस्ट पेपर किए होंगे उसको फायदा होगा। करंट अफेयर्स में भी मैंने वो कराया था, ठीक है। तो स्टेट फास्ट डिफेंडर अभ्यास जो है बच्चों नाटो का सैन्य अभ्यास है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला लिखो मिलन 24 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो कि विशाखापत्तनम में हो रहा है, हुआ, ठीक है। मिलन 24 ये लिखो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास, का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास या अभ्यास लिखो। और ये मिलन 24 कहां पर आयोजित हो रहा है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहां पे हो रहा है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। मिलन 24 नौसेना का सबसे बड़ा क्या है बच्चों? अभ्यास है, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगला लिखो डेजर्ट साइक्लोन 2024 यूएई और इंडिया के मध्य, ठीक है। लिखो डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास इंडिया एंड यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, ठीक है। तो लिखो यूएई और इंडिया के मध्य डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 किसके मध्य आयोजित किया गया? ये 2024 के हैं, ये तो इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन ये किसके मध्य हुआ बच्चों? इंडिया प्लस यूएई के मध्य आयोजन हुआ डेजर्ट साइक्लोन का, ठीक है। सहयोग काइजिंग लिखो, ये हुआ जापान व इंडिया के बीच, ये होते रहता है, ठीक है। लिखो सहयोग काइजिंग 2024 ये किसके मध्य हुआ? इंडिया प्लस जापान के मध्य ये सहयोग काइजिंग 2024 का आयोजन किया गया, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना बच्चों अयोध्या 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये पूरा बड़ा सा एक न्यूज़पेपर में इसके आर्टिकल वगैरह भी छपे थे, अयोध्या 2024, ठीक है। अयोध्या 2024 ये क्या है बच्चों? एक कल्चरल और जो हमारा हिस्टोरिकल है उसके संबंध में ये अभ्यास हुआ है। ये हुआ भारत का थाईलैंड के साथ, ठीक है। अभी बताता हूँ, इंडिया प्लस थाईलैंड, ठीक है। इसका मेन जो अयोध्या 2024 है ये एक प्रकार का कल्चरल हिस्टोरिकल अभ्यास से या इसकी जो थीम है उस पर आधारित है, यानी जो टाइज हैं इसके टाइप हैं अयोध्या 2024 के, ये भारत के अयोध्या शहर पे भी आधारित है, ठीक है। अयोध्या 2024 इंडिया एंड थाईलैंड आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास हुआ, डेजर्ट साइक्लोन अलग है और साइक्लोन है इंडिया और इजिप्ट,
इजिप्ट मिस्र, ठीक है, इजिप्ट के साथ हुआ, जिसको आप लोग मिस्र वगैरह भी कहते हैं, इंडिया का इजिप्ट के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला लिखो बच्चों, खंजर नाम का सैन्य अभ्यास अभी हिमाचल प्रदेश में किर्गिस्तान के साथ, खंजर नामक सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान के साथ, ठीक है, ये कहां पे हुआ, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया किर्गिस्तान के साथ, खंजर नामक सैन्य अभ्यास का, ठीक है। डेजर्ट नाइट लिखो बच्चों, इंडिया यूएई एंड फ्रांस, मोस्ट इंपोर्टेंट, डेजर्ट नाइट, नाइट किसके मध्य हुआ, इंडिया यूएई एंड फ्रांस के मध्य, ठीक है, डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास किसका है, इंडिया यूएई एंड फ्रांस। और लास्ट लिखो साडा टंसिक, ये है साडा टंसिक सऊदी अरब के साथ, ठीक है, साडा टंसिक, साडा टंसिक ये है इंडिया एंड सऊदी अरब के साथ, ठीक है, सऊदी अरबिया लिख लेना इसको, इनके बीच हुआ साडा टंसिक, साउथ अफ्रीका मत कर देना उसको, ठीक है, ऐसे देख के। ये था बच्चों प्रमुख सैन्य अभ्यास जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं या आते भी हैं आपके पेपर में, आपने इसको नोट भी किया होगा, एक आधी बार इसको रिवीजन करना, अगर आप रिवाइज करने के बाद इसको इजीली अगर आप इसको याद कर पाते हैं या कोशिश करते हैं एक दो बार रिवीजन करने के, तो रिवाइज किया होगा तो पेपर में आपके माइंड पे ये चीज़ें क्लिक कर जाएंगी, ठीक है। कुछ इसमें 2024 के भी हैं और कुछ जो ऐसे हैं जो प्रमुख रहते ही रहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको याद करने में आसानी हो पाएगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।